नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बड़े अधिकारी द्वारा सैनिकों के संबोधन का ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनाड़ी सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तर कमान, लेफ्टिनेंट जनरल चैंपियन सिंह और विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात मेरे बहादुर जवानों, आज मैं आप सबके बीच उपस्थित होकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी का सुप्रीम कमांडर होने के नाते यह मेरे लिए अत्यंत खुशी, गौरव और सम्मान की बात है कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि में तैनात कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त व अदम्य साहस से ओतप्रोत अपने बहादुर जवानों से मिलने और उन्हें संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का यह दौरा मैं सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर तैनात समस्त सियाचिन वॉरियर्स को समर्पित करते हुए वीर जवानों को नमन करता हूं। सियाचिन ग्लेशियर में सर्वप्रथम भारतीय सेना का प्रवेश 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के तहत शुरू हुआ था। यह जोखिम और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन पिछले 34 साल से लगातार चल रहा है। ऑपरेशन मेघदूत भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सक्रिय ऑपरेशन है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना की ज्यादातर चौकियां समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। इनमें से कुछ चौकियों की ऊंचाई 20,000 फीट से भी अधिक है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -52 डिग्री तक पहुंच जाता है और बर्फबारी लगभग 15 से 18 फीट तक हो जाती है। फिर भी इतनी कठिन, विकटतम और विपरीत परिस्थितियों में आप उच्च मनोबल और देश के प्रति समर्पण की भावना के साथ देश की सुरक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मातृभूमि के प्रति आपके इस निस्वार्थ समर्पण और त्याग के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी वीरता, निडरता और अदम्य साहस से ओतप्रोत कार्य शैली को देखकर भारतवर्ष को पूर्ण विश्वास है कि जब तक हमारी सरहदों की सुरक्षा आप जैसे देशभक्त और वीर सैनिकों के हाथ में है, तब तक कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता। देश को आप सभी वीर सैनिकों पर गर्व है। भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के इस युद्ध क्षेत्र में हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई बार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपकी कर्तव्य परायणता, वीरता एवं शौर्य गाथाओं से ओतप्रोत हमारा इतिहास सभी भारतवासियों के लिए एक अनूठी मिसाल है। भारतीय सेना अपने अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और धर्म निरपेक्षता के प्रति आस्था व विश्वास के लिए हमेशा से जानी जाती है। दुर्गम और प्रतिकूल परिस्थितियों में आपकी उच्च कार्य कुशलता के लिए भारतवर्ष पूर्ण रूप से परिचित है। भारत सरकार सदैव आपकी कठिनाइयों को दूर करने व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव वचनबद्ध है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते मुझे अत्यंत गर्व है कि हमारी सरहदें आप जैसे कुशल, अदम्य, शौर्य से भरे पराक्रमी सैनिकों के हाथों में सुरक्षित है। इस चुनौतीपूर्ण एवं विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ आप अपने दायित्व का निर्वहन जिस लगन व मेहनत के साथ कर रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है। मैं आपकी इस कर्तव्य निष्ठा, बलिदान, त्याग व शौर्य को सलाम करता हूँ। आज के इस विशेष दिवस पर मैं एक बार फिर उन समस्त वीर जवानों जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए इस दुर्गम व सर्वोच्च युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी है को सत सत नमन करता हूँ और उनके परिवारों के लिए देशवासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आप और आपके परिजनों के उज्ज्वल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।